नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिंग कंपटीशन टारगेट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। योगी आदित्यनाथ जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और उप मुख्यमंत्री के तौर पे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी को बनाया गया है। मैं आपको दिनेश शर्मा जी के बारे में कुछ नई नई जानकारी बताऊँगा, जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी जान लें कि दिनेश शर्मा जी कौन है। दिनेश शर्मा जी को सबसे पहले लखनऊ में 2008 में मेयर के लिए चुना गया था और दोबारा इनको 2012 में चुना गया था। इन्होंने अपने सबसे बड़े जो प्रतिद्वंदी थे नीरज बोरा जी, जो नेशनल कांग्रेस के नेता थे, उनको 171,000 वोटों से इन्होंने हराया था। इनकी उम्र जो है 53 साल की है। यूपी में बीजेपी का सबसे पढ़ा लिखा चेहरा माना जाता है। मेयर बनने से पहले ये लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे। साल 1992 में शर्मा जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया और शर्मा जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं। ये बहुत ही ईमानदार नेता माने जाते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। मेयर और प्रोफेसर दिनेश शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस के पसंदीदा नेता हैं। माना जा रहा है कि शर्मा जी पर्दे के पीछे रहते हुए पार्टी को विधानसभा चुनाव और इससे पहले लोकसभा चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शर्मा और शाह की नज़दीकियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने सदस्यता बढ़ाने के महाअभियान की कमान उन्हें सौंपी गई थी। शर्मा जी इस जिम्मेदारी पर बहुत ही खरे उतरे थे। उनकी अगुवाई में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। इनका राजनीतिक सफर के विषय बात करते हैं। ये वर्तमान में लखनऊ के मेयर हैं। अगस्त 2014 को पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। अटल बिहारी की सबसे बड़ा ऐतिहासिक बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2006 में अपने आखिरी भाषण भी शर्मा जी को ही चुनाव जिताने के लिए दिया था। शर्मा यूपी की राजनीति में खास पैठ रखने वाले कल्याण सिंह और कलराज मिश्र के भी बहुत ही करीबी माने जाते हैं। तो ये था दिनेश शर्मा जी का राजनीतिक और आरंभिक सफ़र जिसके में हम बात कर रहे थे। बहुत हमारे वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।